टाइटैनिक के बारे में आपने कभी ना कभी जरूर पढ़ा या सुना होगा। मैं टाइटैनिक फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस असली टाइटैनिक शिप की बात कर रहा हूँ जिस पर फिल्म बनाई गई थी। टाइटैनिक को डूबे अब लगभग 108 साल हो चुके हैं, पर अब तक उसका मलबा क्यों नहीं निकाला गया? लोगों को पता है कि टाइटैनिक का मलबा कहाँ है, पर फिर लोगों ने उसका मलबा क्यों नहीं निकाला? आइए इस बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। साथ ही जानेंगे टाइटैनिक के बारे में कुछ लेसर नॉन फैक्ट्स को। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ में जो बेल आइकन होगा उसे भी दबा देना, ताकि आप भी अपनी बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पा सको और आप भी अपनी जिंदगी में कुछ नया जान पाओ। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा के लिए ब्रिटेन से साउथहैम्प्टन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए निकला था। टाइटैनिक शिप में उस समय 3,547 लोग सवार थे, जो नहीं जानते थे कि आगे उनके साथ क्या होने वाला था। टाइटैनिक के अंदर लोगों ने खुशी से 4 दिन बिताए। 14 अप्रैल 1912 की रात को नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में एक आइसबर्ग से टकराकर टाइटैनिक शिप 2 टुकड़ों में टूट गया और इसका मलबा 3.8 किलोमीटर की गहराई में डूब गया। टाइटैनिक शिप के हादसे में 1500 लोग मारे गए थे, जिसमें से सिर्फ 306 लोगों के ही शव मिले। आइसबर्ग से टकराने से पहले टाइटैनिक शिप को 6 वार्निंग मिली थी, पर तब भी टाइटैनिक शिप अपने फुल स्पीड से चल रही थी। लगभग 70 सालों तक टाइटैनिक का मलबा अनछुआ ही रहा। फिर पहली बार 1985 में टाइटैनिक के मलबे को रॉबर्ट पेलार्ड और उनकी टीम ने खोजा। टाइटैनिक शिप जहां डूबा था वहां बहुत अंधेरा है, सूर्य की रोशनी भला इतनी गहराई तक कैसे पहुंचेगी, और उस जगह का तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस है। अब इतनी गहराई में किसी इंसान का जाना और फिर सुरक्षित वापस आना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे में मलबा लाना तो बहुत दूर की बात है, वैसे भी जहाज इतना बड़ा और भारी था। अगर किसी आधुनिक मशीन के जरिए टाइटैनिक के मलबे को निकाला भी जाए तो इसमें बहुत खर्चा पड़ जाएगा, और अगर किसी तरह मलबे को निकाल भी लिया जाए तो लोगों के हाथ सिर्फ जंग खाया हुआ लोहा ही लगेगा। बताया जा रहा है कि अब समुद्र के अंदर टाइटैनिक शिप ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा, क्योंकि वो बहुत तेजी से गल रहा है। जानकारों की माने तो 20 से 30 सालों में टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह से गल जाएगा। दरअसल समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया लोहे को बहुत तेजी से कुतर रहे हैं, जिसके वजह से लोहे में जंग लगता जा रहा है। बीबीसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग पैदा करने वाले बैक्टीरिया हर रोज लगभग 180 किलो मलबा खा जाते हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि टाइटैनिक अब ज़्यादा समय तक बच नहीं पाएगी। चलिए अब जानते हैं टाइटैनिक के बारे में कुछ लेसर नॉन फैक्ट्स को। टाइटैनिक शिप को बनाने में $7.5 मिलियन का खर्चा आया था, पर मजे की बात तो ये है कि जेम्स कैमरॉन की मूवी टाइटैनिक को बनाने में लगभग $200 मिलियन का खर्चा आया था। टाइटैनिक शिप 3,000 लोगों की बुद्धि और मेहनत के वजह से बन पाई थी। टाइटैनिक शिप लगभग 3 फुटबॉल फील्ड के बराबर थी। टाइटैनिक शिप की लंबाई लगभग 882 फीट थी और उसका वेट लगभग 52,310 टन था। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।